हेलो सामने को एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह सुबह का दिन है, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो फिर से बड़ी इन्फॉर्मेटिव बनने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको लेने के आनी चाहिए जर्मनी में, एज अ फर्स्ट टाइम स्टूडेंट इन जर्मनी। बिकॉज बहुत चीजें बंदा जमा कर लेते हैं, फिर कन्फ्यूज हो जाता है कि ये लेकर जाऊँ या वो लेकर जाऊँ। इस चक्कर में ना फजूल चीजें जो साथ आ जाती हैं, जो काम की चीजें ना वो वहीं पर रह जाती हैं। फिर बंदा जब पहुंचता है तो सोचता है यार ये क्यों रख लिया मैंने, वो रख लिया था, वो इंपॉर्टेंट चीज थी। सो उन चीजों के बारे में बात करेंगे और वो चीजें हमें लेके आनी चाहिए जो यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है, यहाँ पे बहुत मिलती ही नहीं है, मतलब यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सो बस अभी नाश्ता कर लें और फिर नाश्ते के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक अच्छा सा सूटकेस ले लेना है जिसमें आपने चीजें लेकर जानी है, क्योंकि वो जो कपड़े वाला बैग होता है ना वो बिल्कुल ना नीचे, क्योंकि जब हम आए थे ना हमारे बैग में जितने भी हमारे दोस्त वगैरह आए थे सबके बैगों का मसला, वो किसी का टायर निकल गया, किसी का बैग साइड से फट गया, किसी के तो एयरपोर्ट पे खुल गया बैग पूरा। सो वो जो होते हैं प्लास्टिक के बैग, मतलब जो दूसरे बैग्स होते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा नीचे जब एडिटिंग करूंगा नीचे ना पिक्चर्स डालूंगा दोनों बैग से, ये कौन सा लेके आना चाहिए कौन सा नहीं लेके आना चाहिए। और फिर आपने इतना 30 किलो तो अपना माइंड में आके रखना, क्योंकि हर फ्लाइट 30 किलो तो वो करती है, अलाउ करती है। और पहली दफा बना जा रहा हूँ 30 किलो, तो इससे कम क्या लेके जाएगा। सो सबसे पहले तो एक जयनमाज आपने रखनी है, कैप रखनी है, साथ आप तस्बीह रख सकते हैं और पॉकेट कुरान जो आप पॉकेट में लेकर आए और यहाँ पर आके हिफाजत से एक जगह पे रखते हैं। सो किचन की चीज़ों में सबसे पहले तो आपने जरूरी चीज़ जो है ना वो है ये तवा, ये आपने जरूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब इस तरह का तो नहीं मिलता पाकिस्तानी टाइप का। सो ये अब आपको रोटी बनाने का दिल करे, कभी ना कभी तो करेगा ना, शुरू में तो आप कहेंगे यार मैं कहाँ बनाऊंगा जाके, पर ऐसे ऐसे जाके जब याद आएगी रोटी की पराठे की तो रोजों में सहरी के वक्त, सो उसके लिए आपको जरूर पड़ सकती है, फिर आपने जरूर लेके आना है। और इसी के साथ ही चीज़ जो ये है ये बेलन, ये भी वो जरूर रोलर पेन, ये यहाँ पे नहीं मिलती है, यहाँ पे अगर मिलती है तो काफी एक्सपेंसिव मिल रही है आपको, जो आप ले ही आए उसका इतना वेट भी नहीं इतना होता। चाय का कौन शौकीन नहीं होता चाय के लिए, अगर आप तो मेरी तरह इस चाय जो चूल्हे की चाय के शौकीन है तो उसके लिए आपको 100 पैन चाहिए होगा, नहीं तो कुछ लोग होते हैं इलेक्ट्रिक कैटल में अर्जेंट बना लेते हैं जल्दी से, उसमें टी बैग्स वगैरह डाले वो बना लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी टी बैग्स मिल जाते हैं सस्ती रेंज में, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एक छोटी सी देखची खाने के लिए, मतलब इससे छोटा साइज भी हो सकता है इसका, लेकिन इसमें आपने कोई भी खाना सालन वगैरह चावल वगैरह जो भी बनाना है, मतलब जिसका वेट कम हो वो आप लेके आ सकते हैं। ये एक सॉस पैन, एग वगैरह फ्राई करने के लिए, ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए सॉस पैन आप लें लाइट वेट का, क्योंकि ये चीज़ यहाँ मिलती है पर एक्सपेंसिव है थोड़ी सी। इसके साथ साथ दो प्लेट्स, दो ग्लास, दो कप्स, दो स्पूंस, दो फॉक्स, ये चीज़ें तो आपने लेके आई ना केक, मतलब खाने के लिए अगर आप बिल्कुल नई जगह पे जा रहे हैं, कोई दोस्त वगैरह नहीं आपके पास, अगर कोई दोस्त वगैरह है फिर सही है, फिर आप उससे शेयर कर सकते हैं। ये सॉरी चाय के साथ ये तो भूल गया स्ट्रेनर, ये नहीं होगा तो चाय कैसे पियेंगे आप। सो ये बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे मिलती है, इसलिए आप यहाँ पे ले ही हैं यहाँ से। क्या है इसका, कुछ भी नहीं, हल्का सा छिलका सा तो है। सो ये स्ट्रेनर जैसे छन्नी भी कहते हैं, सो ये आप लेके आ सकते हैं। और ये दोई जो होती है ये, और ये खाना बनाने के लिए मतलब जो चमचा मिक्स करने के लिए, ये बहुत जरूरी चाहिए होता है चावल वगैरह के लिए, ये और ये चाय के लिए। और उसके बाद छुरी, छुरी मैं आपको बताऊँ यहाँ से बंजर, अगर कुछ लोगों को होता है कि पता नहीं फ्लाइट में अलाउ करेंगे छुरी लेके जाना कि नहीं, तो आप यहाँ से बंजर शॉप की ना वैसे सेम यही छुरी मिल जाती, मैंने भी यहीं से बंजर शॉप बंजर की ली थी। सो अगर नहीं लेके आने तो ना लेके आए, क्यों नहीं तो अगर लाना चाहिए ला भी सकते हैं। और हाँ, बड़ा छुरा जो होता है ना जो कसाइयों के पास होता है तक तक करने वाला, वो भी आपको लेके आना पड़ेगा। एक मेरा एक दोस्त था वो तो लेके आया था, वो काफी भारी भी था, 1 किलो का वजन था उसको, बल्कि 1 किलो से ज्यादा ही होगा। लिंक भी यहाँ पे चिकन आपने देखा होगा, मैंने हर वीडियो में दिखाया भी होगा, मैं लिंक भी दे दूंगा कि चिकन यहाँ पे ना आपको खुद पीसेस करने पड़ते हैं, पूरा पूरा लेग पीस मिल जाता है स्किन के साथ, तो पहले आप उसे स्किन उतारेंगे फिर पीसेस करेंगे, उसके लिए आपको प्लेट का स्पून और एक फॉक, और हाँ ये पिलर बहुत जरूरी है, पिलर भी आप ले आए, मतलब जो ये चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं सस्ते में मिल जाती हैं, पर क्या है कि जब इनका वजन ही नहीं है तो आप क्यों आप यहाँ से लेना, पाकिस्तान में ऑब्वियसली इससे इधर से सस्ती मिलेगी, सो आप ये चीज़ें लेके आ सकते हैं। मैं ये चीज़ें आपको दिखाना नहीं भी दिखाता अगर मैं आपको जुबानी बता देता, लेकिन मैंने कहा दिखाने से ज़्यादा फर्क पड़ता है ना कि हाँ यार हैं वाकई में है तभी मंगवा रहा हूँ, कि ये नहीं कि मेरे पास खुद है नहीं तो मैं आपसे मंगवाता जा रहा हूँ। और ये हाँ ये एक बहुत जरूरी चीज़ है, मतलब चावल वगैरह छानने के लिए नूडल्स वगैरह स्पेगेटी बनती है उसमें उसका पानी वगैरह निकालने के लिए, सो ये आप स्टील की या प्लास्टिक की आप कोई भी लेके आ सकते हैं। ये बहुत मजे की चीज़ ये है स्पाइस बॉक्स, वो होता है ना बहुत, वो काफ़ी लोग जो है अलग अलग से डब्बे लेके आ जाते हैं स्पाइस बॉक्स के लिए, सो मेरे पास एक ही डब्बा है स्पाइस बॉक्स का, इसमें ना अभी इसमें फिल हुआ है, इसमें ना 6 बॉक्स बने हुए हैं 6, तो ये इसमें आपके 6 किस्म के मसाले आ जाएंगे, आप इस तरह के 2 डब्बे ले आए मतलब तो आपके ज्यादा मसाले भी आ जाएंगे, तो ये काफी वो है और जगह भी कम लेती है, एक लेके आ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे वो ना बहुत होता है कि जो किचन के जब किसी के किचन फर्निश होते हैं तो वो अगर आप स्लैब में आप रखते हैं गर्म गर्म देखी को तो वो निशान पड़ जाएगा, तो फिर जब आपने घर छोड़ना होगा ऑब्वियसली वो मसला करेंगे, तो आप ये चीज लेके आ सकते हैं कि आप इसके ऊपर अपनी देखी वगैरह रख सकते हैं। सो ये थी मेन किचन की चीजें, आई थिंक मैंने सारी कवर कर ली है इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ एक चीज और, जूसर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये मैंने यहाँ से लिया था, स्मार्ट सा जूसर है, इस तरह अगर आप लेके आना चाहें तो आप ला सकते हैं, वरना यहाँ से ये आपको ना
10 यूरो के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको ये सेम जूस। ये एक बंदे का मिल्क शेक वगैरह आपको पीने का दिल करता है, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या वैसे भी मतलब कभी दिल करता है गर्मियों में मिल्क शेक पीने का, मैंगो मिल्क शेक या वो वैसे यहाँ पे मैंगो तो मिलने से रहे लेकिन सोच के आज ही कुछ और पी लीजिएगा तो ये उसके लिए बेस्ट है। सो ये आप लेके आ सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से ना काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको 10 शॉप एक्शन से मिल सकती हैं, 10 शॉप स्टेडी से। सो जब आप यहाँ पे आएंगे आपको आपके दोस्त वगैरह बता देंगे यार ये चीज़ यहाँ से सस्ते में मिल जाएगी, वो आप जाके ले सकते हैं। सो ये तो होगी किचन के यूटेंसिल्स वगैरह ये जो आपको लाने पड़ेंगे, जरूरत के इतनी जगह नहीं लेंगे, मतलब 5 kg के अंदर आपका हो जाएगा इसमें सामान। हल्के वेट की आपकी चीज़ें लेनी है क्योंकि शुरुआत में आप यहाँ पे आके एक्सचेंज कर सकते हैं जब आपको यहाँ की चीज़ों को पता चल जाएगा। उसके बाद मेडिसिन बहुत जरूरी है यहाँ पे, पैरासिटामोल और डिस्प्रिन तो आप लेकर आएंगे आए ना, ये तो बहुत मतलब आप जॉब वगैरह करेंगे आपके सर में दर्द होगा, जिस सर में दर्द हो उसके लिए ये खराज डिस्प्रिन या पैरासिटामोल। और बाकी आप खांसी की दवाई मतलब जो आपकी लिक्विड चीज़ें अच्छी से टेप वगैरह लगा के ना पैक करके आप लेके आ सकते हैं, जो शहद वगैरह पैक करके आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद कपड़े वगैरह आप रखेंगे अपने, मतलब आपने अपनी पेंट शर्ट स्वेट शर्ट ड्रेस पेंट शर्ट एक ड्रेस पेंट शर्ट रख लें क्योंकि जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा कोई, सो उसके लिए एक ड्रेस शूज एक जॉगर्स एक स्लीपर्स मतलब नमाज वगैरह पढ़ने के लिए घर के अंदर भी अपार्टमेंट के अंदर भी घूमने के लिए आपको स्लीपर्स चाहिए होंगे, सैंडल्स एक शलवार कमीज रख लें, ईद वगैरह पर तो पहन ही देंगे ना आप, ट्राउजर्स ज़्यादा रखें, पेंट्स कम ही पहने जाए ट्राउजर ज़्यादा पहने जाते हैं, बाकी जीन्स वगैरह ड्रेस पेंट शर्ट एक रखने की बस, इंटरव्यू वगैरह भी पहनी जाती है और शलवार कमीज भी सिर्फ ईद पर ही पहनी जाती है। और बेल्ट्स मतलब टाइज वगैरह बेल्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें, मतलब कम कपड़े आप कम से कम रखें प्लीज। हम भी इतने कपड़े भर के लेके आए थे ना, मतलब सीरियसली आप यकीन करें अलमारी भरी हुई है, कुछ भी नहीं पहना जाता, कुछ ही कपड़े जो पसंद है ना बस वही पहने जाते हैं। और ये हैंगर्स बहुत जरूरी है आप अपने कपड़े हैंग वगैरह करने के लिए, सूट वगैरह हैंग करने के लिए, सो उनके लिए आप हैंगर्स लेके आ सकते हैं। एक एक जॉगर्स एक एक साथ आप जॉगर्स का जॉगर्स भी ज़्यादा पहने जाते हैं, सिर्फ जॉगर्स अच्छे से क्वालिटी के लेके आए मतलब अच्छी एक ही दफा आएंगे वो बहुत चलेंगे, आपके यहाँ पे बहुत वॉक होगी तो आपके जॉगर से ही घिसेंगे ना। और हाँ जैकेट के बारे में मैं आपको बता दूँ, जैकेट हम लेके आए लेदर की जैकेट ना हमने सबसे अच्छी सी लेकर आए थे पाकिस्तान से, पर यहाँ पर जब हम पहनी यहाँ पे आके जब पहनी तो कुछ पता ही नहीं चला था, सर्दी रुकी नहीं रही थी, तो वो यहाँ की जैकेट ही ना आपको वो होगी सही मतलब सूट करेगी, क्योंकि यहाँ की जैकेट में ऐसा उन्होंने बनाई होती मटीरियल से कि आपको ना वाकई में ना सर्दी नहीं लगती। सो जैकेट आप लेकर आए मतलब पहन कर ही आए और यहाँ पे आके आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि अच्छी क्वालिटी की, सर उससे आपकी ना आपको सर्दी नहीं लगेगी। आदि आप अपनी हाइजीन की चीज़ें लेके आ सकते हैं, टूथपेस्ट ब्रश हेयर ब्रश बॉडी स्प्रे परफ्यूम नेल कटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप लेकर आ सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी की चीज़ों की, स्टेशनरी में सबसे जरूरत है आपको बरेली कैलकुलेटर, यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है, आप पाकिस्तान से अच्छा ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर आएँ क्योंकि आपका पढ़ाई में तो यूज़ होगा ही होगा ना जिस फील्ड में भी आप चले जाएँ। पेन्स का एक पेन का बॉल पेन का एक बॉक्स लें मतलब पैकेज जो होता है वो लें शुरू के लिए, बाकी यहाँ पे ना यहाँ पे कॉपीज रजिस्टर वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉपी लें शुरू के लिए हल्की सी वे, क्योंकि यहाँ पे ना 0.55 यूरो की ना एक्शन से कॉपीज मिल रही होती हैं अच्छी क्वालिटी के पेजेस की, तो वो आप यहाँ से आके इजीली ले सकते हैं। लेकिन शुरू के लिए चले आप एक कॉपी लें और एक पेन का बॉल पेन का बॉक्स लें और बाकी बस नहीं तो ये तो सॉरी कैलकुलेटर तो जरूर लेकर आए हैं। कुछ लोगों को कपड़े आयरन करके पहनने का बहुत शौक होता है, पहली बात तो यहाँ पे कोई नोट नहीं करता आपको, लेकिन आपकी अपने आपको कुछ शौक है और सर्दियों में तो आप वैसे भी ऊपर जैकेट पहन लेते हैं तो नीचे कुछ नजर ही नहीं आता कि आपने क्या पहना हुआ है, सो इसलिए यहाँ पे आपको 5 यूरो की मिल जाती है, 5-10 यूरो की ई बेसिक मिल जाती है मतलब यूज में मिल जाती है अच्छी कंडीशन में, सो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज़ जो बहुत इधर आके पता चलता है यार ये लेके आनी चाहिए, काफी लोगों ने देखा भी सुना भी हम नहीं लेकर आए ये चीज़ स्विच फेज, पाकिस्तान में जो है डिफरेंट किस्म के स्विचेज होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सिंपल डिफरेंट सिर्फ इस तरह के स्विच होते हैं ये वगैरह लगाने के लिए, तो इसके लिए आप ना ये वाला स्विच लें जिसमें आपके हर तरह का ना आपका स्विच हेयर ड्रायर हो गया आपका लैपटॉप हो गया आपका आईपैड हो गया आपका मोबाइल हो गया सारे चार्जेस आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, सो ये बहुत रिकमेंडेड चीज़ है। और ये आप 2 से 3 ले आएँ आप यहाँ जाके बेचेंगे भी ये आराम से आपका बिक जाएगा सीरियसली क्योंकि ये बहुत डिमांड में है। और हाँ एक और बहुत जरूरी चीज़ आप अपने साथ वाइट लाइट बल्ब भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे ना सारे वार्म वाइट मतलब येलो लाइट के बल्ब्स मिलते हैं, उनसे ना बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, मैंने आपको बताया भी था कि मतलब उसमें ना नींद ही आती है पढ़ने का बिल्कुल नहीं करता, वाइट लाइट से ना फ्रेशनेस मिलती है पॉजिटिविटी आती है, सो आप वाइट बल्ब लेके आए यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं वो आप जरूर लेके आए 2-3 ले आए। तो अगर मैं खाने पीने की चीज़ों की बात करूँ कि लोग ना खाने पीने की चीज़ें भी लेके आते हैं कुछ सही एक शुरू शुरू में शौक होता है ना कि हम घर से ये भी बनवा के ले जाएँ वो भी बनवा के ले जाएँ, बट सीरियसली कितने दिन चल जाएंगी आपकी वो चीज़ें, 1-2 हफ्ता मतलब ठीक है आप जब तक आप 1 हफ्ता आपको सेट होने में घर लग जाता है किचन वगैरह सेट करने में तो आप हाँ ला सकते हैं, कैन फूड्स वगैरह जो होते हैं मतलब कैन में चिकन वगैरह फूड कैन में करके स्टोर करके, बट मैं तो हम तो नहीं लेके आते, लेकिन जो मेन चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास जगह है तो आप लेकर आएँ, पर पहले आप ना जरूरत की चीज़ें रखें। अब आप मिठाई की जिसको बहुत क्रेविंग होती है गुलाब जामुन रसगुल्ले वगैरह मिठाई आप अपने यहाँ थोड़ी बहुत लेके आ सकते हैं कि आपका चले खाने के बाद मीठा खाने दिल करता है। ड्राई मिल्क अगर किसी को ड्राई मिल्क की चाय पीने का बहुत शौक है मतलब एवरीडे नीदो वगैरह प्रमोशन भी हो गई है, सो अगर आपको वो पीने का दिल करता है तो आप यहाँ पे ला सकते हो, यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है नीदो वगैरह मिलता है एवरीडे
तो मिलता है, नींद तो मिलता है, यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है। ड्राई फ्रूट, हाँ ड्राई फ्रूट आप लेके आ सकते हैं, अपने दिमाग बादाम वगैरह मिल जाते हैं यहाँ से भी, काफी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट आपको हेजलनट्स खाने को देखने को मिलेंगे। मैं अब हैंड कैरी की अगर बात करूँ तो हैंड कैरी में आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल, जिसमें आपके सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या कॉपीज वगैरह या पासपोर्ट वगैरह सब आपने हैंड कैरी में रख लेनी है। अपने हैंड कैरी के लिए आप ये वाला बैग, हैंड कैरी के लिए आप ये वाला बैग भी लेके आ सकते हैं, मतलब आपको जो यूनिवर्सिटी बैग होगा, नहीं तो आपको ये अलग से यूनिवर्सिटी बैग आपको चाहिए होगा, ये भी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसी को अपना अपना हैंड कैरी बना कर लें। इसमें आप अपना लैपटॉप एक रख सकते, लैपटॉप, आईपैड, आपके चार्जर्स, लैपटॉप आईपैड के चार्जर्स, उसके बाद सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें, पावर बैंक वगैरह हो गया, आईपॉड हो गया, वो सब चीज़ें आपने इसमें रख लेनी है। डॉक्यूमेंट्स की फाइल इसमें रख लेनी है क्योंकि ये हर वक्त काफी फास्ट होगा। तो लिक्विड वगैरह की चीज़ें भी आप रख सकते हैं बड़े बैग में, हैंड कैरी में आपने कोई लिक्विड की चीज़ नहीं रख सकते, बैग में पानी भी आपको निकलवा देते हैं चेकिंग के वक्त, पानी वगैरह कुछ भी नहीं फेंक देते, रखने देते। सो आप बैग में, तो बड़े बैग में तो पता नहीं पता मैंने क्या क्या लेके आते हैं, हम लोग खुद ने शान के मसाले लेकर आए थे। हाँ, शान के मसाले की बात करूँ, यहाँ पे शान के मसाले आराम से मिल जाते हैं, का एक पैकेट मिलता है। अब फ्लाइट जो 40 KG लाओ करने, तो और अच्छी बात है, आप अपनी और मनपसंद चीजें को खेलने, आपको कोई गेम का शौक है आप वो भी रख सकते हैं अपने साथ। एक और बहुत बड़ी चीज, जब हम जर्मनी का हमें वीजा लग जाता है, हमने कोई गलत सोचा था सर्दी इतनी होगी हम वहाँ पे वो बिस्तर क्या करेंगे, तो यहाँ से आराम से आपको ना मैट्रेस वगैरह अवेलेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा, वूल वर्ड से 20 यूरो का मिल जाता है मैट्रेस, और ब्लैंकेट और पिलो भी है वो भी आपको मिल जाता है। सो आपको कुछ भी लाने की इस तरह की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें थी, आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर किया होगा। इंपॉर्टेंट है, आपको और चीज़ में कंफ्यूजन है कि ये चीज़ लेके आनी चाहिए कि नहीं लेके आनी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। So if you guys like this video, then give it a big thumbs up, and I will catch you guys in the next video. Till then, do like, share, subscribe, and comment to my YouTube channel, which is Imran Sleem. Bye bye.